मातरम साथियों, मैं रेड आर्मी टीम से हिंदू रिंकेश। आज आरएमएल हॉस्पिटल में प्लेटलेट डोनेशन किया है रेड आर्मी टीम के बहुत ही जुझारू साथी अविनाश जी ने। और अविनाश जी, आज कैसा लग रहा है प्लेटलेट डोनेशन करके? बहुत दिनों बाद ही मौका ढूंढ रहा था मैं डोनेशन करने के लिए, और अच्छा तो काफी लगा। मुझे ये केस मिला था निकेत जी से लखनऊ में जो है उनके थ्रू, हालांकि ये केस हमारे नजर में है बहुत दिनों से चल रहा दीपावली से ही, और अनिकेत जी के थ्रू मिला। नट्टू जी जो पंजाब जिससे हैं तो उनको नट्टू जी से मिला, अनिकेत जी फिर हमें दिए। फिर मुझे पता चला इस केस में प्लेटलेट चाहिए थे, ठीक है, मैं तुरंत ही फोन पे एग्री हो गया, ठीक है प्लेटलेट तो मैं ही दे दूंगा क्योंकि मेरा भी पॉजिटिव है। बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था मैं प्लेटलेट डोनेशन करने के लिए, और अच्छा लगा। संदेश क्या देंगे रेड आर्मी टीम के और भी साथियों को जो निष्क्रिय है? संदेश ही देना चाहूंगा, जो निष्क्रिय है आइए साथ में, डोनेशन वोनेशन करना है नहीं करना है, एसडीपी देने से नहीं डरना सबसे पहले। और ये कौन सा एडीपी डोनेशन है? ये मेरा चौथा है, चौथा एसडीपी डोनेशन, चौथा एडीपी डोनेशन अविनाश जी ने किया है, और ये हिमांशु जी की मम्मी के लिए किया है। तो हिमांशु जी कैसा लग रहा है रेड आर्मी टीम ने आज आपकी जो है? आपके साथ शुरू से ही जुड़े पड़े आपको बता, अक्टूबर से, और क्या बताया, और आपके लिए तो रेड आर्मी टीम आपको पहले भी लेटर के माध्यम से हेल्प कर चुकी है, तीन यूनिट के लिए, दीपावली वाले दिन भी। तो हिमांशु भाई रेड आर्मी टीम से काफी समय से जुड़े हुए हैं और इनकी मदर एडमिट है आरएमएल में, तो उनके लिए रेड आर्मी टीम बराबर से हेल्प कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो मेरा भी आप सभी युवा साथियों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं अनुरोध है, हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान करेंगे तो जीवन दान भी कर पाएंगे, और जो दुआएं काम आती हैं वो कभी रुपया पैसा कभी काम नहीं आता। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि दुआओं को एकत्रित करें और जीवन को अपने सही मार्गदर्शन की ओर ले जाएं। बंदे मातरम। और जो मैं ये कहना चाहूंगा लास्ट में, जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, जो भी है, मैं अपने जॉब से समय निकाल के, जो भी है अपने टाइम ऑफिस से निकाल के मैं आया हूँ। हालांकि 2-3 घंटे का गैप रहा, लेकिन हाँ कोई मना नहीं करता है, जो मना भी करता है वो भी इंसान नहीं है, बस शैतान के काम लायक है वो। तो वही है कि अपना समय निकालें डोनेशन करने, समय एक बहाना नहीं है, किसी चीज़ का बहाना ना करें, आइए क्योंकि जीवन दान होता है इससे। धन्यवाद। वंदे मातरम।